एक हिंदू शायर हैं पंडित कालका प्रसाद, वो कहते हैं कि गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, शम्स कहते हैं सूरज को, गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते दारैन को सीने में छुपा ले। अब देखिए उनका अकीदा कितना अच्छा है, अकीदा है मगर पंडित हैं। हाँ हिंदू है तो नाते रसूल कह सकता है, बस इतना कर सकता है। गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते दारैन को सीने में छुपा ले, फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो वो नालायने मोहम्मद को बस आंखों से लगा। सुभान अल्लाह। नालायने मोहम्मद को बस आंखों से लगा ले, आंखों से लगा ले। एक शेर पढ़ रहा हूं गरीब नवाज की शान में। राम वाले महान कहते हैं हिंदू भाई अजमेर जा सकते हैं, हिंदू भाई देवा जा सकते हैं, हिंदू भाई कलियर जा सकते हैं, हिंदू भाई राजगीर आ सकते हैं, हिंदू भाई रजगीर आ सकते हैं, हिंदू भाई मियांगंज आ सकते हैं, हिंदू भाई सफीपुर जा सकते हैं, हिंदू भाई मुरादाबाद जा सकते हैं, गंज मुरादाबाद जा सकते हैं, जितनी औलियाओं के मजारात हैं वहां जा सकते हैं, मगर ब्रेक। समझ गई? ठीक, हम तुमसे बड़े हैं, तुमको हम अगर कुछ कह रहे हैं तो बुरा मत मानिए, ठीक है? ये जितने तुम्हारी पार्टी में साले सब जाहिल तो हैं, बताते नहीं हो तुम लोग कुछ, खाली तबले ही बजाने आए, ढोलक बजाने आए, तुम लोग भी साले जहन्नम में जाओगे। बोले राम वाले महान कहते हैं गुरु नानक की जान, कहते हैं कहते हैं, और मेरे ख्वाजा के चमन को ऐ परवाज लोग हिंदुस्तान कहते हैं, लोग हिंदुस्तान। अच्छी लग रही हो, खींचो खींचो, अगल बगल वालों का भी लियो जो काले पीले हैं, इनका भी लियो, ये बड़े बाल वाले का लियो, इसका लियो, बहुत शौक है इसको बड़े बाल रखने का, साले जिस दिन गंजा हुआ ना उस दिन तरसेगा। आज कैमरा तेरी तरफ है, चल कोई भाई मेरा भाई है छोटा, कोई बात नहीं। लोग हिंदुस्तान कहते हैं, यासीन भाई के हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, बल्ले हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं, जब से ख्वाजा का करम हुआ है हम लोगों पर कसम खुदा की कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। वाह, कांच के टुकड़े हीरों में, रईस भाई आरती जलालुद्दीन चाचा उनकी जानिब से है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी करूंगा, बहुत से लोगों की फरमाइश है, इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगा। और कहता हूं क्या
देखिए एकदम तरोताजा नया कलाम फिर पेश कर रहा हूं। अजमेर वाले ख्वाजा का यासीन भाई, हाँ माशाल्लाह 100 रुपए फिरा है। नहीं नहीं बल्ले 1000 रुपए। ये मेरा दोस्त बहुत जिगरी दोस्त है। अच्छा ठीक है भाई, वही पढ़ देंगे। ये 1000 रुपए, हाँ बल्ले भाई 1000 रुपए बल्ले भाई ने दिए हैं। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इज्जत हो तो ऐसी हो, दौलत हो तो ऐसी हो, अजमत हो तो ऐसी हो, शोहरत हो तो ऐसी हो, औरत हो तो ऐसी हो। वाह, और ठीक है भतीजे, क्या बात है। अल्लाह कसम मसला देखिए, अजमेर वाले ख्वाजा का जिसको भी देखो दीवाना है। आज आज ऐसा मामला चल रहा है, अपने अपने मोबाइलों में देख रहे होंगे ना, मगर इंशाल्लाह कसम खुदा की कोई बाल बीका नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा गरीब नवाज है। समझ जाओ, अजमेर वाले ख्वाजा का जिसको भी देखो दीवाना है। क्यों हसनी हुसैनी, क्यों वो फातिमा के दुलारे हैं, वो फातिमा के दुलारे हैं। अल्लाह कसम हसनी हुसैनी घराना करता हूं। क्या बात है। और ये हमारे यासीन भाई, फिर सोनू भाई हैदराबाद से ये 200 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल खालिद साहब हमारे दोस्त
जो माशाल्लाह इसी गांव के हैं और आजकल दिल्ली में उनकी कितनी फैक्ट्रियां हैं। एक बार मैं गया हूं, आज तक नहीं गया हूं। मैं खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत से रुपयों से नवाजा अब्दुल खालिद। फिर उनकी जानिब से प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी जानिब से सपा नेता, 500 रुपए उनकी जानिब से फिर आए हैं। हाँ भैया, राम बहादुर हैदराबाद, क्या बात है राम बहादुर, इतने तो निडर दिख रहे हो तुम बहादुर। आज मेरुवाले, आज मेरुवाले ख्वाजा का राम बहादुर दीवाना है, मौला अली के दुलारे हैं, मौला अली के दुलारे है, हसनी हुसैनी घराना है, ठीक। उनकी जानिब से 100 रुपए और हमारे अतरौली से जो लोग आए हुए हैं भाई शफीक कुरैशी साहब, शानू कुरैशी साहब हमारी बिरादर के हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो लब्बैक जरूर करें। पहला बंद रख रहा हूं, तवज्जो। या मेरे ख्वाजा वो फातिमा के है खानदानी, वो फातिमा के है खानदानी, वो फातिमा के है खानदानी, भारत है भारत है भारत है ख्वाजा की, अरे भारत है ख्वाजा की राजधानी, बगदाद में और तहबा में आए हाय हाय। कमेटी वालों, कमेटी वालों, मियांगंज उर्स कमेटी वालों, बगदाद में और तहबा में, बगदाद में और तहबा में ख्वाजा का रोजा न जाना है, कमेटी उनकी जानिब 100 रुपए माशाल्लाह। ये नफीस भाई मियांगंज फिर 100 रुपए, किस बात पे आए, बगदाद में और तहबा में, बगदाद में और तहबा में मेरे ख्वाजा का रोजा न जाना है, अदने
वाह क्या बात है, क्या बात है। इरफान मलिक साहब हैदराबाद, इसको लय में कहते हैं। इरफान मलिक हैदराबाद, उर्स कमेटी रजगीर शरीफ की तरफ से इतने रुपए आए हैं, उनका शुक्रिया। टाइम नहीं लूंगा, या गरीब नवाज, देखिए गरीब नवाज के साथ मैं कितने वलियों को जोड़ रहा हूं, एक एक शेर सुनिएगा। एक कलियर में साबिर देवा में से पाक से मोहब्बत करते हो ना, मैं भी उन्हीं का गुलाम हूं, मैं भी उन्हीं के दर का कुत्ता हूं। ये शोहरत ये दौलत जो मिली है सब उन्हीं की बदौलत है। मेरा वारिस महान है, मेरा वारिस मेरी जान है, उन पे मेरा दिल कुर्बान है। इसलिए कलियर में साबिर देवा में वारिस, अरे बहराइच में मसूद गाजी। जिंदा करामत देखनी है। मुंबई में कौन कौन रहता है जरा हाथ उठा के बता दे, मुंबई जो रहते हैं। अब जरा देखिए जिंदा करामत, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया देखती है कि हमारे हाजी अली समंदर के बीचों बीच में हैं और पानी हर जगह सैलाब की तरह भर जाता है, मगर कसम खुदा की पानी की औकात नहीं है जो हाजी अली के मजार अकदस के अंदर घुस जाए। ये करामत नहीं है? अंधे हो, देख नहीं रहे हो? अगर वली ने अपनी नजर फेर ली तो कसम खुदा की कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कहता हूं क्या ख्वाजा से हाजी अली का भी देखो बड़ा दोस्ताना।
रिजवान भाई, सब ये भाई यहीं के रहने वाले हैं मगर कारोबार बिजनेस हैदराबाद। क्या बात है, रोजी रोटी हैदराबाद से है मगर मोहर लगी है हमारे रजगीर शरीफ की। ये उन्हीं का कर्म है जो आज ये दौलतमंद हैं। हमको भी अल्लाह ने बहुत दिया, ये भी उन्हीं का कर्म है सब। ये सदकाए ख्वाजा है, सदकाए आका है। यासीन भाई, इरफान भाई, रिजवान भाई, हैदराबाद। हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जानिब से भी 100 रुपए और आए हैं। सुभान अल्लाह, फारिस भाई ने 100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैयाज, उसने भी 100 रुपए दिए हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब ने भी हमें 100 रुपए दिए थे। क्या बात है, क्या बात है। अरे ख्वाजा से, ख्वाजा से, ख्वाजा से हाजी अली का भी देखो बड़ा दोस्ताना। हमारे बल्ले भाई की फरमाइश है तो मतलब पढ़ दे रहे हैं। ठीक है भाई, एक हजार देना, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी दुकान गंदुम की है। गंदुम जानते हैं, गेहूं उसको बोलते हैं।